देश से आए हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति की जो समझ है उससे मैं अभिभूत हो गई। और भारतीय संस्कृति की समझ ही नहीं, भारत में किन हालातों में मैकॉली की शिक्षा नीति लागू की गई और उससे भारत को क्या हानि हुई, क्योंकि उससे पहले जब देवमुनि बाबू बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा जब इन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार मैकॉली की शिक्षा पद्धति लागू की गई ताकि उस समय के लोगों को रोजगार मिल सके। नहीं जनाब, मैकॉले के मन में कहीं से भी ये बात नहीं थी कि भारतीयों को उनकी योग्यता क्षमता के अनुरूप रोजगार मिले, बल्कि वो अपना शासन तंत्र मजबूत किस प्रकार से कर सके इसके लिए उन्होंने वो शिक्षा पद्धति लागू की थी। ताली मारो, जोर से मारो। और उस शिक्षा पद्धति का ही परिणाम यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, उस संस्कृति को हम ही लोग विस्मृत कर बैठे। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसके पहले, फॉर्मल ऑफिशियल मैं नहीं कहूंगी, उसे यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है विवाद हो जाए, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज हमारे यहाँ संस्कृत हुआ करती थी और बोलचाल की भाषा विभिन्न प्रकार की थी, पाली प्राकृत वगैरह संस्कृत के ही अपभ्रंश थे। तो मैकॉले की शिक्षा पद्धति का परिणाम यह हुआ कि संस्कृत का सर्वनाश हो गया। संस्कृत का सर्वनाश एक तरफ तो अंग्रेजी के प्रति आकर्षित करके संस्कृत के प्रति हम लोग विमुख हो गए और अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। हमें जब अपने ही लिटरेचर को पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत की तो वैसी जानकारी बहुत कम, 1% लोगों को भी नहीं होगी, तो हम पढ़ते हैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन से। और जो ट्रांसलेटर होता है, जो कि देश को गुलाम बनाने के लिए आया है, वो क्या आपके देश की अच्छी अच्छी बातों को उजागर कर सकेगा? कभी नहीं। तो इसलिए वहां पर जो ट्रांसलेशन है उसमें हाईलाइट किया जाता है उन बिंदुओं को जिसको कि पकड़ करके हम स्वयं ही उसका विश्लेषण नहीं करते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ये सारी कमियां थी। तो नई शिक्षा पद्धति पर बोलने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से 20 साल पहले मैं पर्सनल बातें मंच से नहीं बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ आवश्यकता महसूस हो रही है इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे लड़के ने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तो 10th, तो उस समय मैं काफी उत्तेजित में थी कि इसको क्या पढ़ाया जाए, किस दिशा में भेजा जाए, क्योंकि जनरल ट्रेंड रहता है इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा, मतलब हम लोग चूंकि टीचर थे तो टीचिंग में वो आए, उसमें अच्छा करे। तो मैंने डिस्कस किया अपने छोटे भाई से, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में था, कि इसको किस दिशा में मुझे भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि चूंकि ये वो जिस स्कूल में पढ़ता था, देश का जो सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में से एक आता है, उसमें सभी सेक्शंस में वो फर्स्ट आता था। तो उन्होंने बोला कि चूंकि ये टॉपर है इतने अच्छे स्कूल का, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये अंग्रेजी पढ़े और संस्कृत पढ़े। आज से 20 साल पहले जबकि नई शिक्षा नीति की पद्धति की ये सब कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसी क्षेत्र में मुझको लगता है कि आज के नौजवान को आगे जाना चाहिए। ये अलग बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट तो अपना अपना होता है, वो इस दिशा में वो नहीं गया मेरा बच्चा, लेकिन
अपने लिटरेचर को पढ़ें और लिटरेचर को पढ़ें तो जब आप अन्य की भाषा में पढ़ते हैं तो उसको सही रूप में उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसका सही रूप हमारे सामने आता ही नहीं है। तो इसलिए आज के नौजवानों को अवश्य ही जो हमारी लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसकी तरह में जाने के लिए मैं चाहती हूँ कि एक प्रेरणा स्रोत मिले, रोजगार के अवसर, उस पर मैं बाद में बात करती हूँ। अभी मैं आज का जो विषय है इसमें नई शिक्षा पद्धति पर तो जनरल बातें बहुत सारी होती है, मैं इसमें जो मूल बात पहले मैं इस पर थोड़ी बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए वर्ष 2020 मानव के इतिहास में 100 साल के बाद इतना चैलेंजिंग वर्ष के रूप में आया था और कोरोना से हम लोग इस प्रकार से ग्रस्त हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि फिर हम लोग बिना मास्क के किसी गैदरिंग में शामिल हो पाएंगे। उस समय में भारतवर्ष में कैसी जागृति आई, भारतवर्ष में ये जागृति आई कि कोरोना कोविड-19 के वैक्सीन को तो हमने ढूंढा ही और बहुत अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को फ्री वैक्सीन दिया गया और उसको हम लोगों ने विदेश में भी एक्सपोर्ट किया। बहुत सारे देशों में भारतवर्ष से निर्मित मेडिसिन गया, तो एक तरफ तो भारतवर्ष का ये रूप सामने आया और दूसरी तरफ देखिए कि भारतवर्ष हमेशा से ही चुनौतियों से लड़ करके विचलित कभी नहीं हुआ, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को लेकर के जो हमारी प्रारंभ से ही जो आशावादी रुख लेकर के हम लोग चलते हैं, आशावाद का प्रतीक है भारतवर्ष, तो उसी समय उसी कोविड के जो चैलेंज था उसी समय में हमारी नई शिक्षा पद्धति लागू हुई, नई शिक्षा पद्धति की घोषणा हुई और उस समय से काम शुरू हो गया कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए। अब कोविड पीरियड में क्या हुआ कि कोविड पीरियड के बाद हमारे देश का स्वरूप ही बदल गया, एक तरह से कहिए, एक तरह से कहिए कि एक कल्चर में ही परिवर्तन आ गया, क्रांति आ गई। क्या हुआ कि अचानक ही जो शिक्षा था, रोजगार था, इस सब पर रुके नहीं, इसके लिए ऑनलाइन मोड की तरफ मुड़ गए हम लोग। ये जरूर ये बात है कि उस समय में हमारे पास या अभी भी इतना संसाधन नहीं है कि ये इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह एक समान हो, लेकिन उसको हमने अपनाया तो ऑनलाइन मोड पर हो, चाहे शिक्षण पद्धति हो, चाहे ऑफिशियल वर्क हो, उसमें थोड़ी सी चिंता आई लेकिन वो स्टैटिक नहीं हुआ, वो ऑनलाइन मोड की तरफ से हम लोग मुड़े। तो आप देखिए कि ये 2020 से पहले, कोविड से पहले जिस मोबाइल को, जिस इंटरनेट को हम लोग अपने बच्चों या हमारे जो एडोलेसेंट्स थे उनसे हम लोग दूर रखने की बात करते थे कि नहीं ये मोबाइल ये सामने रहेगा तो ये पढ़ेगा कैसे, तो अब वही हो गया, प्लेटफॉर्म बन गया, शिक्षण का प्लेटफॉर्म बन गया और शिक्षा चली हमारी शिक्षा उसी के आधार पर, एक दो साल हम लोगों ने खींचा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या पॉजिटिविटी क्या हो गया कि यदि सरकार कहती कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शिक्षा का एक मोड होगा तो बहुत असंतोष हो जाता, सरकार जा करके सैकड़ों नहीं कहे मतलब बहुत साल लग जाता कि जनता उसको एक्सेप्ट करती, लेकिन जनता ने उसको अपने आप ही एक्सेप्ट किया। अब नई शिक्षा पद्धति में ये ICT के द्वारा जो ये
परिषद टेक्नोलॉजी को हम लोग रैशनली उसको स्वीकार नहीं करें। देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत जैसे गरीब देश के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन संभल करके ये रहना है कि किस प्रकार से इसको स्वीकार किया जाए, क्योंकि वो कहीं हमारी यंग जनरेशन जो है वो उसको एक ये कहा जाए कि एक यूनिट जो कि अपने आप में बंद है। इस प्रकार के अलग अलग यूनिट का तो निर्माण नहीं करेगी, लेकिन मानव का क्या मतलब है? मानव का मतलब तो है म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल सेंसिबिलिटी। मानव का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को भी स्वीकार करना, दूसरे व्यक्ति के अंदर भी हमारी ही तरह के भाव और संवेग हैं, इसको स्वीकार करना। तो जब हम नई शिक्षा पद्धति के जो हमारे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, तो उस लिटरेचर में पाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 60 पेज का लिटरेचर अध्ययन करते हैं तो उसमें कम से कम 10 बार आपको एथिक्स, मैं 10 बार तो कम ही कर रही हूँ, उससे अधिक बार आपको एथिक्स शब्द मिलेगा, आपको फिलोसफी शब्द मिलेगा। यानी कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की बात लगातार हुई है। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, अदर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना, ये मानव का बेसिक एलिमेंट है। और मानव ग्रोथ तभी कर सकता है जबकि वह अदर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करेगा। अब नई शिक्षा पद्धति न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारे बिहार प्रांत में वर्ष 2023 ऑनवर्ड 2023 से इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके संबंध में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस निश्चित तौर पर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि 3 साल के बच्चे को जो स्कूल भेजा जाएगा तो उसके लायक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब जो इंट्रोडक्शन का जो स्टेज है उसमें हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनको प्रशिक्षण दे करके 3 साल से 5 साल वाला जो स्टेज है उसमें इनिशियल 2 साल के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करके उस काम पर लगाने की बात हो रही है। हम लोग चूंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन से संबंधित बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं बिंदुओं पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करूंगी।